नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको, और बड़ी खबर यह है कि राजधानी पटना में रात को बहुत कुछ हो गया। राजधानी पटना की सड़कों पर एक ओला कैब चलाने वाले शख्स को पेट में गोली दागी गई, और गोली दागने के बाद वहां से तीन शख्स जो कि फोर व्हीलर में सवार थे निकल जाते हैं। घटना पटना के मीठापुर इलाके की है, और मीठापुर के जक्कनपुर थाने के पास की आसपास की घटना बताई जाती है। और ये बताया जाता है कि पटना में इस तरह की वारदात का होना आम बात हो गया है, क्योंकि रोड पर चलते हुए किसी को भी ठोक देना, किसी को भी गोली मार देना इस समय बिहार की अपराधियों की प्रवृत्ति बनी हुई है। दरअसल देर रात बदमाशों ने ओला कैब के ड्राइवर को गोली मार दी है। पटना में जक्कनपुर थाना के तहत मीठापुर बी एरिया में लेबर कोर्ट के पास घटना घटी है। घायल ड्राइवर का नाम अरुण कुमार है, मूल रूप से गोपालगंज का रहने वाला है। पटना में रहकर ओला कैब की कार चलाता है। देर रात वापस घर लौट रहा था, जहां वो किराए के मकान में रहता है। दयानंद हाई स्कूल से वो आगे ही बढ़ा था कि दूसरे फोर व्हीलर गाड़ी से उसके कार की टक्कर हो गई, जिसमें दूसरे गाड़ी का लुकिंग ग्लास टूट गया। इस पर दोनों के बीच पहले जबरदस्त बहस और गाली गलौज हुई, उसके बाद दूसरी गाड़ी में कुल तीन लोग सवार थे। बहस के बाद लोग गाड़ी से आगे बढ़ गए, जिसके बाद ओवरटेक करने के बाद ये कैब ड्राइवर उनके पास फिर से पहुंचता है, फिर से बातावाती होती है, फिर से झगड़ा होता है, और उन तीन लोगों में से एक शख्स जो था वो बंदूक निकालता है, और बंदूक निकालकर गोलियां चलाने लगता है, और इसमें से एक गोली ओला कैब ड्राइवर के पेट में लग जाती है। और ये सारी घटना बुधवार की रात की है। ये पटना में इस तरह की घटनाएं आजकल आम बात हो गई हैं। ये लोग जो हैं इस तरह की घटना करने से बाज नहीं आ रहे हैं, इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, लोग आज अब इस चीज के आदि हो चुके हैं। राजधानी पटना वाले लगातार प्रशासन से सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपराध की इस तरह की गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रात में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि आखिर इस इलाके में, वो जो इलाका जिस इलाके का हम आपको नाम बता रहे हैं, वो इलाका ऐसा है कि वहां हमेशा चहल पहल रहती है, और वहां पर पुलिस की गश्ती भी हमेशा रहती है। लेकिन ऐसे में जब रात में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो पुलिस क्या कर रही थी, इस पर भी सवाल है। पुलिस की गश्ती पर भी सवाल है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। इस बीच क्या हुआ कि एक एम्बुलेंस आ रही थी, इसके ड्राइवर की नजर घायल अरुण पर पड़ी। जक्कनपुर थाने की पुलिस को वारदात की जानकारी देने के साथ ही घायल को तुरंत इलाज के लिए पीएमसीएच लेकर चला गया। दूसरी तरफ जानकारी मिलने के बाद थाने की जो पुलिस है वो घटना स्थल पर पहुंचती है। 9 mm की गोली का एक खोखा मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि बदमाशों ने 9 mm की पिस्टल से गोली दागी है। ये बदमाश कौन थे, किस ओर भागे, ये कुछ भी पता नहीं चल पाया है। देर रात को ही वारदात वाली जगह के आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश हुई। दो जगहों पर कैमरा मिला भी, मगर एक कतार टूटा हुआ मिला, तो दूसरे पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा हुआ था। देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजधानी पटना में सीसीटीवी कैमरे तो लगाए जा चुके हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे कितने काम करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आज सीसीटीवी कैमरे वहां काम कर रहे होते, तो अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो जाती, अपराधी पकड़े भी जाते जिन्होंने गोलियां चलाई थी। हालांकि ये जो घटना है, जो बदमाश गोली मार कर निकले हैं, इन बदमाशों की तलाशने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है हमेशा की तरह, लेकिन इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं पुलिस के कार्य पर सवाल तो उठाती है। हालांकि ये जो घटना है वो रोड रेज की घटना मानी जा सकती है, और इसमें क्या कुछ आगे होगा हम आपको बताएंगे। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।